नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल गौरव सेठी पे। और आज हम आपकी डिमांड के हिसाब से लेके आए हैं लड़कों की पहली पसंद कार्ड्स। जी हाँ दोस्तों, आज वैलेंटाइन डे का शुभ दिन है और उसके लिए सबसे पहले आप सबको हैप्पी वैलेंटाइन डे। और आज हम हैं यहाँ पे मेरे प्रिय दोस्त राजमीत जी के साथ। राजमीत जी, एक बार हमारे दर्शकों को हाय कर दीजिए। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। बाय सेल एक्सचेंज, ये है यहाँ का इनका लोगो और ये है कार जाइंट का डीलरशिप अंधेरी ईस्ट में। आप देख सकते हैं सामने है चकाला मेट्रो स्टेशन, जो कि जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 50 मीटर्स है, तो किसी को आने में भी कोई इशू नहीं होगा। राजमीत जी, आपके पास यहाँ पे अभी कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं? अभी फिलहाल हमारे पास 23 कार्स हैं यहाँ। अच्छा, आपके पास 23 कार्स हैं। और किस बजट से स्टार्ट हो जाती हैं गाड़ी? हमारी बजट चालू होता है 1.5 से शुरू हो जाता है। अच्छा, 1 लाख से, मतलब किसी की अगर, मतलब नई एक्टिवा के रेट में आप उनको गाड़ी दे देते हैं तो नया एक्टिवा दोस्तों मुंबई में इस समय 1 लाख के करीब आ जाता है अगर आप एक्सेस लेने जाएँ तो। उसी हिसाब से हम 1 लाख के बजट में आपको कार्स दे देंगे। तो हम एक बार देखते हैं, स्टॉक पर नज़र डालते हैं। आइए हम पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कार से। तो दोस्तों, अब हम पहली गाड़ी आपको दिखाते हैं। हमारी जो आज की पहली गाड़ी है वो है स्विफ्ट, इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और सबसे ज़्यादा पसंदीदा गाड़ी। आप गाड़ी की कंडीशन देख सकते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा ये कौन सा मॉडल है? ये 2008 का VXI वेरिएंट है, पेट्रोल। अच्छा, और गाड़ी सिंगल ओनर है। सिंगल ओनर गाड़ी है। और डिमांड क्या है इसकी? डिमांड इसका हम लोग कोट कर रहे हैं 210,000। दोस्तों 210,000 में आप देखिए इतनी चमचमाती हुई गाड़ी, ओरिजिनल पेंट है, सिर्फ बम्पर्स पे टचअप है। और इसके इंटीरियर भी आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेंटेन किया गया है। दोस्तों अब हम आ गए हैं अपनी सेकंड कार पे और वो है स्कोडा की रैपिड। स्कोडा कंपनी मतलब जानदार कंपनी। राजमीत जी, आप मेरे को इसके बारे में बताइए कौन सा मॉडल है, क्या चली हुई है? ये 2013 का एम्बियंट वेरिएंट है। अच्छा, चली है 70-75,000 के आसपास चली है गाड़ी। ठीक है, और प्राइस इसका डिमांड कर रहे हैं हम 3,75,000। अच्छा, 3,75,000 में स्कोडा। और सेकंड ओनर है ये, डीजल में है। हाँ जी, डीजल 2013 मॉडल, वेरी नाइस। आप कंडीशन देख सकते हैं गाड़ी की, बहुत ही खूबसूरत है, चारों टायर भी इसमें नए हैं और रेट के हिसाब से मेरे ख्याल से बहुत जानदार चीज़ आपको मिल रही है। अब आती है मेरी बचपन की फेवरेट कार, मतलब बचपन की क्या, आज भी मतलब जहाँ से निकल जाती है इट्स अ हेड टर्नर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं होंडा सिविक की। राजमीत जी, ये कौन सा मॉडल है? प्योर ब्लैक ब्यूटी आपने इसको बना रखा है। ये 2010 की V80 है और ऑटोमेटिक गाड़ी है। गाड़ी चली है 65,000 किलोमीटर्स। प्राइस इसका डिमांड कर रहे हैं हम 3 लाख। दोस्तों मैं आपको इस गाड़ी के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप एक कार एंथुसियास्ट हैं या जिसको गाड़ियों से प्यार है और जो बचपन से सोचते आए हैं कि हम एक स्पोर्ट्स कार चलाएंगे, जैसे लैम्बोर्गिनी हो गई या फरारी हो गई, बट हर इंसान इतने कम बजट में वो सब नहीं ले सकता, इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं पेडल शिफ्टर्स। मैं आपको पेडल शिफ्टर्स के बारे में अलग से डिटेल में भी बताऊँगा। आपके जो गियर्स होते हैं ना, वो आपके स्टेयरिंग व्हील के पीछे होते हैं और उसमें जो, दोस्तों यकीन मानना, जो पिकअप आता है वो किसी स्पोर्ट्स कार से कम नहीं है। और ये जेन्युइन पेट्रोल की गाड़ी है और आप तब तक इन चीज़ों को महसूस नहीं कर पाएंगे जब तक आप यहाँ डीलरशिप पे आके एक बार खुद चला के नहीं देखते। 3 लाख रुपए में आपको 20 लाख की गाड़ी का मज़ा मिल रहा है दोस्तों। और आप कंडीशन देख सकते हैं, गाड़ी पे एक स्क्रैच तक नहीं है और ब्लैक कलर बहुत सारे मेरे दोस्तों का फेवरेट है। तो एक बार हम आपको इसका इंटीरियर भी दिखाते हैं अच्छे से। इंटीरियर जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके हैंडल पे कोई स्टेन नहीं है, अंदर सीट्स बहुत अच्छी हैं, लेदर कवरिंग अच्छी हैं। तो अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी यहाँ आइए, हो सकता है ये डिमांड में है तब तक निकल भी जाए। अब दोस्तों हम आते हैं सिविक की टक्कर की गाड़ी। थोड़ा सा पीछे हो कि कार खुला जाए। राजमीत जी, नेक्स्ट गाड़ी हमारी है क्रूज़, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये 2014 की सिंगल ओनर LTZ टॉप वेरिएंट है इसका। इट कम्स विद सनरूफ और इसके भी चारों टायर नए हैं। अच्छा, इसमें सनरूफ भी है। ये नई गाड़ी कितने की थी? ये नई गाड़ी 18 लाख रुपए की थी। 18 लाख रुपए की थी क्रूज़। और ये डीजल है या पेट्रोल? डीजल का आ रही है। जेन्युइन कितनी चली हुई है? चली है 55,000। सिर्फ 55,000? ये फर्स्ट ओनर है? फर्स्ट ओनर। क्या बात है दोस्तों, 18 लाख की गाड़ी आपको कितने में अभी है? ये अभी मिलेगी 575। 5 लाख रुपए में 18 लाख की गाड़ी सिर्फ 25% रेट में और सिर्फ 55,000 चली हुई है जेन्युइन। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, आप देख सकते हैं ये किसी शौकीन इंसान की गाड़ी है जिसने कम से कम 20 से 30,000 की तो लाइटें लगवाई हैं।
तो आप जो भी इसके लिए पैसे देंगे, एक एक पैसा वसूल करने वाली गाड़ी है ये। इसके भी हम आपको इंटीरियर दिखाते हैं, बहुत ही बेहतरीन इंटीरियर्स हैं, अनटच गाड़ी एकदम, कॉपर फिनिश के साथ। स्टीयरिंग व्हील आप देख सकते हैं, बेहतरीन काम हुआ है। सनरूफ है इस गाड़ी में, ऑटोमेटिक। अब चलते हैं दोस्तों हम अपनी अगली गाड़ी पे, जो कि है फोक्सवैगन की वेंटो। राजमीत जी, वेंटो के बारे में कुछ बताइए। ये 2010 की सेकंड ओनर है गाड़ी है, चलिए 76,000 किलोमीटर्स, कंफर्ट लाइन सेकंड टॉप वेरिएंट है, डीजल है ये, और इसका प्राइस डिमांड कर रहे हैं हम 2,99,000। अच्छा, मतलब मोटा मोटा 3 लाख की गाड़ी है, और उसमें भी अगर टेबल पे बात की जाए तो नेगोशिएबल है। अच्छा, आप हमारी इज्जत बिल्कुल रखेंगे, जरूर रखेंगे। अच्छा, नाम लेके आएंगे तो, हाँ, अगर आप हमारा नाम लेके आते हैं, हमारे चैनल का नाम लेके आते हैं, तो आपको ये बड़े भाई की तरह ही ट्रीट करेंगे और आपको एक प्रॉपर डिस्काउंट मिलेगा। राजमीत जी, इसकी 3 लाख रुपए की अभी डिमांड है, 2010 का ये मॉडल है। ये नई कितने की है इस समय? ये नई है, इसका प्राइस 11 लाख रुपये। अच्छा, 11 लाख की, मतलब है 3 लाख में मिल रही है, अराउंड 70% पहले ही पैसा बच जाता है। दोस्तों, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है सेकेंड हैंड कार लेने में, कि जो पैसा आप एक नई गाड़ी में लगाएंगे, आप उसको बिजनेस में लगाइए, और उसमें से आप 70% कॉस्ट बचा के वही मज़े प्री ओन्ड कार से ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट कार पे आते हैं, इसी का मेरे ख्याल से ये ब्लैक वर्जन है। ये है वेंटो ब्लैक, बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है, पेंट में एक स्क्रैच भी नहीं है, लाइट्स बहुत चमचमाती हुई है, नंबर प्लेट इन्होंने प्रॉपर अपने हिसाब से लगाई है, माय कार जायंट लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके बेज कलर के इंटीरियर्स हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए राजमीत जी। ये उसका न्यू शेप है वेंटो, जो हमने पिछला वेंटो देखा वो 2010 का। अच्छा, ये इसीलिए थोड़ा नया लग रहा है देखने में। ये न्यू शेप है 2013, ये भी सेकंड ओनर है, ये गाड़ी चला हुआ 54,000, और ये हाई 54,000 चली है, जेन्युइन 54,000, क्या बात है। क्योंकि वोक्सवैगन में मैंने सुना है 2 साल भी चला लो लेकिन कुछ बिगड़ता नहीं है, तो 2 लाख के हिसाब से 54,000 तो अभी कुछ भी नहीं है। और क्या डिमांड है इस गाड़ी की सर? प्राइस कोट कर रहे हम 4 लाख, 4 लाख रुपए में। और ये अभी नई कितने की है? ये नई इसका अभी 12 लाख, 12 लाख की गाड़ी आपको 4 लाख में मिल रही है, और आप कंडीशन देखिए, मेरे ख्याल से जब आप डिलीवरी देंगे तो इसको एकदम पॉलिश वॉलिश करवा के एकदम नई बना के देंगे, क्या बात है। अब इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कार लग्जरी सेडान्स में, एंड दैट इज़ होंडा सिटी, नो डाउट 1998 में लॉन्च हुई थी, 1.5 लीटर इंजन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और अभी तक ये क्वीन है गाड़ियों की सेगमेंट की। ये है होंडा सिटी, कंडीशन आप देख सकते हैं। राजमीत जी, ये गाड़ी पेंट है या जेन्युइन है? जेन्युइन है, इसका बम्पर फ्रंट और रियर बम्पर पे टच अप हुआ है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक बार आप यहाँ आके देखिए कितना प्यारा इसका पेंट है, और ये जेन्युइन पेंट है, मैं राजमीत जी बता रहे हैं। सिर्फ बम्पर पे हल्का सा टचअप है, ओरिजिनल ग्लासेस हैं, ओरिजिनल सीट्स हैं, ओरिजिनल इनका जो आप इंटीरियर कहेंगे वो है। कितनी मेंटेन्ड गाड़ी है ये, और ये मुझे ऐसा लगता है किसी ज़रूर अमीर इंसान की रही होगी जो शौक के लिए। अच्छा, 100% नॉन एक्सीडेंटल कार है ये। इसकी क्या डिमांड है और ये कौन से ईयर की है? 2009 की है गाड़ी, चली है 75,000 किलोमीटर्स, और प्राइस इसका डिमांड कर रहे हैं 2,75,000। 2009 मॉडल, प्योर पेट्रोल, प्योर पेट्रोल, और आप इसकी कितने डिमांड कर रहे हैं? 75,000। छोड़ने का रेट बताइए, कि अगर कोई बंदा आता है पैसे लेके कैश, क्योंकि ये गाड़ी बिकती ही बिकती है ऑन द स्पॉट, तो आप कितने में दे देंगे? ये 2,50,000 तक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसका। अच्छा, फाइनल, बाकी थोड़ी बहुत। तो दोस्तों, 25,000 तो आपके यहीं बच गए, आप वैसे आते तो आप नेगोशिएट करते, पर भैया ने हमारी इज्जत रखने के लिए आपको 25,000 वैसे ही छोड़ दिए। चलिए, अब नेक्स्ट गाड़ी में हम आते हैं, ये है मारुति की SX4, बहुत ही बेहतरीन इंजन माना जाता है इसका कंफर्ट लेवल में। एक टाइम था सारे सरकारी विभागों में यही गाड़ी चलती थी, SX4। तो इस गाड़ी के बारे में बताइए राजमीत। ये 2011 की VXI पेट्रोल है, 2011 VXI पेट्रोल, प्योर पेट्रोल, प्योर पेट्रोल, सिंगल ओनर है गाड़ी, चली है 63,000 किलोमीटर्स, और प्राइस कोट करें इसका 3 लाख। 3 लाख में आपको 65,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी न्यू के समान ही है, मतलब मुझे कहीं से भी सेकेंड हैंड तो नहीं लग रही है, बहुत अच्छी कंडीशन है। आप आइए और चला के देखिए, तब आपको गाड़ी की क्वालिटी का एहसास होगा। नेक्स्ट कार पे आते हैं। अच्छा, आपके पास होंडा सिटी पुरानी भी है? पुरानी। क्या बात है दोस्तों, इस गाड़ी ने और सिविक ने जितना दिलों पर राज किया शायद ही किसी और गाड़ी ने किया हो। इसके बारे में बताइए सर, क्या है? ये 2006 की सेकेंड ओनर है गाड़ी, ये चली है 90,000 किलोमीटर्स, और प्राइस इसका एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम 165 में। दोस्तों, इस कंडीशन की गाड़ी मिलना बहुत मुश्किल है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको, गाड़ियों में ना बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, जैसे इंजन, टायर्स,
तो अगर आप किसी अपने एक्सपर्ट बंदे से गाड़ी लेते हैं ना, जो सालों से इस काम में है, तो आप 10-20 हज़ार पे गाड़ी महंगी ज़रूर लेंगे, लेकिन आगे जो आपके 50,000 के लाख के खर्चे हैं वो बच जाएंगे, क्योंकि राजमीत जी भी जब गाड़ी परचेज़ करते होंगे तो बहुत सारे क्वालिटी कंट्रोल्स देखते होंगे। इसलिए यहाँ से अगर आप गाड़ी लेते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली मैं मान के चलता हूँ कि आपको एक अच्छी डील मिल सकती है विद अ क्वालिटी कार। तो नेक्स्ट हम आते हैं ब्रियो पे। अच्छा राजमीत जी, आपका फेवरेट कलर ब्लैक है क्या? हमारे पास ब्लैक की मतलब बहुत ज़्यादा कार्स हैं। ये जेन्युइन पेंट है, देखिए दोस्तों, आप छू के देख सकते हैं इसको, एकदम जेन्युइन पेंट, ब्लैक पेंट, बेज इंटीरियर्स, इससे ज़्यादा कातिल कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। इसके बारे में बताइए। ये 2012 की सिंगल ओनर वी वेरिएंट है, टॉप वेरिएंट, और इसका प्राइस हम डिमांड कर रहे हैं 3 लाख रुपये नेगोशिएबल। 3 लाख रुपये में 2012 की गाड़ी, और वो भी नेगोशिएबल। अच्छा, मुंबई में जो लोग साउथ की तरफ रहते हैं, जिनका मतलब ऐसा है कि खड़ी करने की जगह नहीं है, उनके लिए मेरे ख्याल से ब्रियो इज़ नॉट लेस देन अमेज। अंदर से अमेज और ब्रियो दोनों सेम है, इंजन पावर सेम है, बल्कि ये थोड़ी सी फास्ट होगी क्योंकि ये हल्की गाड़ी है। आप इसमें पैसा बचाइए, ब्रियो ले जाइए और स्पोर्ट्स कार का मज़ा लीजिए, मैं तो कहता हूँ। ये प्योर पेट्रोल है, प्योर पेट्रोल। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल कार्स। दोस्तों इसके भी हम आपको इंटीरियर्स दिखाते हैं, आप बताइए हमें कैसे लग रहे हैं। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट कार पर, और ये आ गई रेड कलर की फोर्ड फीगो। फोर्ड फीगो बहुत क्यूट कार लग रही है देखने में मुझे। अगर आप मतलब अपने घर में भी पूछेंगे तो उनको ये सबसे क्यूट और सबसे अलग लगेगी। इसके बारे में बताइए। ये 2011 की है, फोर्ड फीगो, टाइटेनियम वेरिएंट है, और गाड़ी चली है 40,000 किलोमीटर जेन्युइन। सिर्फ 40,000 किलोमीटर, और टाइटेनियम इसका टॉप वेरिएंट होता है। दोस्तों 40,000 चली हुई है और टॉप वेरिएंट है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसका आस्किंग प्राइस क्या होगा। कौन सा मॉडल आपने बताया सर? 2011 मॉडल, 40,000। इसका रेट बताइए सर। 3 लाख। दोस्तों 3 लाख में आपको फोर्ड एकदम नई के समान, ये भी जेन्युइन पेंट है, एकदम बहुत अच्छा पेंट है। अच्छा, इसमें कस्टम फिनिश के अंदर इंटीरियर लगे हुए हैं, ब्लैक एंड रेड में आप देख रहे हैं। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। अच्छा, इसमें भी एयर बैग्स हैं। तो फोर्ड तो मेरे ख्याल से अमेरिकन कंपनी है, वो सेफ्टी के साथ तो बिल्कुल वो खिलवाड़ नहीं करेगी। अच्छा दोस्तों एक चीज़ है, मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊंगा। जब आप फोर्ड की गाड़ियों पर, एंडेवर हो गया, फीगो हो गई, इको स्पोर्ट हो गई, इस पर जब आप क्वालिटी देखेंगे ना बिल्ड, तो वो आपको चला के ही पता चलेगी। आप किसी पे भरोसा मत कीजिए, खुद आइए एक बार, रनिंग करिए, गाड़ी चलाइए, फिर बताइए। ये मेरे ख्याल से लो बजट की कार है, 2014 की मारुति ऑल्टो, CNG फिटेड है ये, कंपनी फिटेड CNG आती। अच्छा, इसमें शुरू से ही CNG लगी हुई है, फिटेड है ये, और इसका डिमांड हम कर रहे हैं 2,65,000। और ये मॉडल आपने बताया मुझे, और चली कितनी है? दोस्तों 44,000 चली हुई है ये ऑल्टो, CNG इसमें लगी हुई है, तो आप लगा लीजिए कि 50,000 to 60,000 जो ऑथेंटिक CNG के लगते हैं वो आपके सीधे बच गए। 44 चली है, मतलब जस्ट छुई हुई गाड़ी है मारुति के हिसाब से। और ये नई मेरे ख्याल से 5-5.5 तक पड़ जाती होगी, 5 लाख की गाड़ी आपको 2.5 लाख में मोटा मोटा पड़ जाएगी। तो सीधा आपके 50% बचते हैं। आप आइए और चला के देखिए, जेन्युइन पेंट, सिंगल ओनर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगर आपको वैसे एक चीज़ और है राजमीत जी, जिस हिसाब से इस समय पेट्रोल बढ़ रहा है, 94 रुपीज़ लीटर हो गया है, तो मेरे हिसाब से ये गाड़ी शहर के हिसाब से सबसे बढ़िया है। इसका आप एक बार फुल टैंक कराएंगे तो ये गाड़ी, इसका टैंक फुल हो जाता है, ये टैंक फुल हो जाता है 400 रुपीज़ में, 400 रुपये में कितने किलोमीटर, और गाड़ी चल जाती है 175 से 200 किलोमीटर। क्या बात कर रहे हैं आप, मतलब 2 रुपये किलोमीटर आज के टाइम में गाड़ी बढ़ रही है। दोस्तों ऑटो वाला 8 रुपये किलोमीटर लेता है और आपको ऑल्टो मिल रही है सिर्फ 2 रुपये किलोमीटर में, क्या बात है। नेक्स्ट गाड़ी पे हम आते हैं, द ब्लू वाइट पीस। तो ये है हमारी वैगन आर, बचपन में हम बहुत देखा करते थे, और आज भी ये गाड़ी शायद सेल्स के मामले में सबसे ऊपर है। इसके बारे में बताइए सर थोड़ा सा। ये 2017 की है, सिंगल ओनर गाड़ी है, और ये चली है 17,000 किलोमीटर, सिर्फ 17,000 किलोमीटर, और ये नई गाड़ी का प्राइस कुछ है 5.5-6 लाख रुपये, 5,75,000, और इसका अभी हमने प्राइस रखा हुआ है 4,25,000। मतलब सीधा सीधा आपके 2-2.5 लाख बच जाते हैं यहाँ से गाड़ी लेने में। 2017 है, 2017 मॉडल, 17,000 चली हुई है, अनयूज स्टेपनी है।
आपको मैं इसके इंटीरियर्स भी दिखाऊंगा, लेकिन जब आप आके देखेंगे इसकी स्टेपनी की कंडीशन, इसके टायर्स की कंडीशन, तब आपको पता चलेगा कि आपने 4.25 लाख में एकदम नई गाड़ी शोरूम से निकलती हुई ली है। नेक्स्ट कार पे हम आते हैं, और नेक्स्ट कार है हमारी i10 Hyundai की। प्रूवन टेस्टेड गाड़ी है ये समय के साथ। हाँ जी। सेंट्रो के बाद मेरे ख्याल से छोटी सेगमेंट में इससे अच्छी गाड़ी कोई नहीं थी Hyundai की तरफ से। इसके बारे में बताइए राजी। ये 2010 की ऑटोमेटिक वेरिएंट है, ये सेकंड ओनर है, गाड़ी चली है 56,000 किलोमीटर्स और प्राइस डिमांड कर इसका 2,50,000। ये ऑटोमेटिक है? हाँ जी ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मेरे ख्याल से सिर्फ टॉप वेरिएंट में ही आता है, ये सिर्फ स्पोर्ट्स वेरिएंट में। स्पोर्ट्स वेरिएंट में ऑटोमेटिक गाड़ी, मतलब उस समय जिस बंदे ने ली होगी उसने वैसे ही प्रीमियम दे के ली होगी, तो उसने रखा भी उसी तरीके से होगा गाड़ी को। इसकी क्या डिमांड बताई आपने? इसका अफोर्ड करें 2,50,000, 2.5 लाख में आपको ऑटोमेटिक गाड़ी का सुख मिल रहा है। और ये कितनी चली हुई है? ये चली 56,000। CNG वगैरह इसमें कभी कुछ लगी है? प्योर पेट्रोल की गाड़ी है, क्या बात है। तो दोस्तों अगर आपको चाहिए अपने कमर्शियल पर्पज़ के लिए गाड़ी, तो उसमें सबसे बेहतरीन गाड़ी का नाम आता है मारुति ईको। आप दिखा सकते हैं हमारे दर्शकों को, ये है मारुति ईको। कौन सा मॉडल है सर ये? ये 2012 की सेकेंड ओनर है। तो दोस्तों ईको ये देख के लग नहीं रही है कि 2012 मॉडल है, आप आके देखेंगे तो आपको 16-17 मॉडल लगेगी। इसके बारे में जानते हैं, इंटीरियर्स भी बहुत अच्छे हैं, वाइट कलर है, इसके बारे में बताइए राजमीत जी। ये 2012 की 5 सीटर CNG है, और CNG कंपनी से लग के आई थी? अलग से लगाया हुआ है। अच्छा, अलग से सिक्वेंशियल है? सिक्वेंशियल किट लगा हुआ है। अच्छा, सिक्वेंशियल किट है। हाँ जी, 2010 ऑनवर्ड जो भी मारुति का गाड़ी आता है उसमें 90% सब में सिक्वेंशियल किट ही आता है। ठीक है, ये कितने चली हुई है? ये गाड़ी चली है 60,000 किलोमीटर, 60,000 के आसपास। हाँ जी। और CNG कब लगवाई थी इसको? CNG ये लगी है 2018 में। अच्छा, अभी 2 साल ही चली है। ठीक है, फिर तो बढ़िया। हाँ जी। क्या डिमांड है इसकी? इसका प्राइस कोट करें 3 लाख। 3 लाख जी, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी आप कर देंगे। तो दोस्तों अगर आपको अपने फैमिली पर्पज से लेनी है या आपको कमर्शियल पर्पज से भी लेनी है, तो ये गाड़ी बहुत बढ़िया है, आप 1 साल में ही मेरे ख्याल से इसका पैसा वसूल कर देंगे, है ना। दोस्तों अब हम आ गए हैं एक ऐसी गाड़ी पर जो बिकने में भी रिकॉर्ड तोड़ सेल्स देती है और चलाने में भी इसका सस्पेंशन बहुत अच्छा है। ये है मारुति की ब्रेजा, वाइट कलर में है। राजमीत जी, मेरे ख्याल से सबसे चमचमाती गाड़ी है स्टॉक में, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। ये 2019 की VDI वेरिएंट है। आप थोड़ा सा मेरे पास आ जाइए, उससे प्यार भी बढ़ेगा। ये 2019 की, 2019 की सिंगल ओनर गाड़ी चली है मात्र 11,000 किलोमीटर, मतलब 1 साल चली हुई गाड़ी है दोस्तों ये, और 11,000 किलोमीटर चली है, वो भी शगुन के ही हो गए। और इसकी क्या डिमांड है? इसका डिमांड कर रहे हैं हम 9,50,000। अच्छा, 9,50,000 में मतलब आपको एकदम नई गाड़ी मिल रही है। और कितना पैसा बच जाएगा अगर हमारा कोई कस्टमर नई के मुकाबले ये लेता तो? प्राइस इसका 11-11.5 लाख रुपये के आसपास। अच्छा, और अभी फिलहाल तो मारुति ने इसका मैन्युफैक्चरिंग बंद किया हुआ है, इसका थोड़ा प्राइस। दोस्तों राजमीत जी ने हमें अभी बताया कि मारुति ने अभी के लिए इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है उसे होल्ड पे रखा है, तो ब्रेजा अभी तो आपको वैसे भी नहीं मिलेगी शोरूम में। और अगर आप ये लेते हैं 11,000 चली हुई, तो आपके सीधा 2 लाख रुपये बचते हैं। तो मेरे ख्याल से 2 लाख रुपये बचाना ज़्यादा समझदारी है। और इसमें पेट्रोल है, प्योर पेट्रोल है ये? डीजल है। अच्छा, ये डीजल है, तो मेरे ख्याल से 2 लाख का पेट्रोल आपका 2-3 साल तो चली जाएगा। बहुत ही बढ़िया। आइए थोड़ा सा इसको इस तरफ से दिखाइए, क्योंकि तभी पता चलेगी इसकी बॉडी लाइन। एकदम न्यू इंटीरियर्स हैं इस गाड़ी के, आप अंदर से भी देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत काम किया हुआ है। तो दोस्तों इसके बाद हम आपको दिखाते हैं एक और गाड़ी। दोस्तों अब हम आपके लिए लेके आए हैं, अगर आपकी बड़ी फैमिली है और 7 सीटर गाड़ी आपको चाहिए, तो उसके लिए है महिंद्रा की ज़ायलो। महिंद्रा अपनी SUVs के लिए पहले ही बहुत ज़्यादा मशहूर है, और ज़ायलो इनके पास है सर के पास वाइट कलर में, ब्लैक इंटीरियर्स हैं इसके, मेरे ख्याल से बेज में ही इसका इंटीरियर होगा। इसके बारे में बताइए सर, इसकी क्या डिमांड है? ये 2010 की सिंगल ओनर, ये टॉप वेरिएंट है। 2010 सिंगल ओनर टॉप वेरिएंट, डिमांड इसका हम लोग कोट करें 3,25,000। 3,25,000 में आप 7 सीटर दे रहे हैं, और नई का क्या रेट है ये? नई इसका प्राइस है 8.5 लाख। 8.5 लाख, मतलब मोटा मोटा 5 लाख रुपये आपका बच जाएगा अगर आप ये गाड़ी लेते हैं। कंडीशन एज गुड एज न्यू है, बॉडी लाइन आप देख सकते हैं, दरवाजे जेन्युइन पेंट है, टायर्स भी मेरे ख्याल से इसमें नए लगे हुए हैं। बहुत ही बढ़िया पीस है ये। अब नेक्स्ट हम इनोवा की तरफ चलते हैं। टूरर्स के लिए सबसे ज़्यादा डिमांड में रहती है अगर आपकी बड़ी फैमिली है और आपने लंबे ट्रिप करने हैं। ये गाड़ी तो सर लद्दाख तक भी चली जाएगी आराम से, मुंबई से लद्दाख का टूर। क्या डिमांड है सर इसकी? ये 2010 की वी टॉप वेरियंट है। वी टॉप वेरियंट 2010
क्या गाड़ी चली है 80,000 किलोमीटर 80,000 जेन्युइन अच्छा और प्राइस इसका कोट कर रहे हम लोग 6.25 लाख 6.25 लाख इसमें कुछ सर्विस रिकॉर्ड वगैरह सर्विस रिकॉर्ड आपको अवेलेबल अवेलेबल हो जाएगा वेरी गुड वेरी नाइस क्योंकि गाड़ी जेन्युइन से एकदम पता चल जाता है पेंट इसमें सर आपने टचअप वगैरह करवाया है पीछे और ये पूरा ओरिजिनल पेंट है क्या बात है 10 साल पुरानी गाड़ी भी इतनी बढ़िया कंडीशन में सिंगल ओनर क्या बात है बहुत ही बढ़िया सर 6.25 लाख आपने इसकी डिमांड करी बहुत सही बहुत सही दोस्तों आपको एक चीज़ और बताता हूँ मैं जान के बहुत अच्छा भी लगेगा हैरानी भी होगी जब भी आप कोई गाड़ी लेने जाए ना तो सबसे पहले आप उसका मॉडल ईयर यहाँ से देख सकते हैं जो भी उसके शीशे होते हैं उस पर आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2010 थोड़ा सा आगे ला के आप एक बार जूम करके दिखाइए आप दोस्तों देख पा रहे होंगे 2010 इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको अपनी वीडियोज़ में बताता रहूँगा कैसे आप बेहतरीन डील ले सकते हैं अपने लिए और एक और सेम कलर में हमारे पास है ये एक और हमारे पास टोयोटा इनोवा है ये कौन सा ईयर है राजमीत जी 2008 की सेकेंड ओनर है 1,65,000 चली है 2008 सेकेंड ओनर 1,65,000 विद सर्विस रिकॉर्ड है ब्यूटीफुल इसकी क्या डिमांड है सर इसका प्राइस कोट कर 4,55,000 4,55,000 में और मेरे ख्याल से अभी तो क्रिस्टा आती है इसकी शायद नहीं जी क्रिस्टा और वो 25 लाख से ऊपर की गाड़ी है 22-23 लाख तो मोटा मोटा दोस्तों 25 लाख की गाड़ी का सुख आपको 6-7 में आपको मिल जाएगा और इसको मेरे ख्याल से आप टूरिंग पर्पज़ के लिए भी लगा सकते हैं तो जिनको कमर्शियल यूज़ के लिए चाहिए या फैमिली यूज़ के लिए चाहिए वो टोयोटा की गाड़ी ले सकते हैं और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा जब भी टोयोटा की गाड़ी लेते हैं ना तो उसमें और मारुति होंडा इन सब गाड़ियों में बहुत फ़र्क होता है ये गाड़ियाँ आपकी 3-3, 4-4 लाख किलोमीटर बिना कुछ कहे चल जाती हैं तो अगर ये आपकी 1,00,000-1,05,000 भी चली है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है चला के देखिए चाहे तो आप अपने मैकेनिक से भी चेक करवा सकते हैं पुष्टि कीजिए और गाड़ी लेके जाइए दोस्तों अगली गाड़ी हमारे पास है रेनो की सर ये रेनो की कौन सी गाड़ी है ये रेनॉल्ट की पल्स गाड़ी है अच्छा ये रेनो की पल्स गाड़ी है कौन सा मॉडल है ये 2012 की 2012 का मॉडल है और 48,000 जेन्युइन अच्छा 50,000 से कम चली हुई है 48,000 चली हुई है 2012 वाइट कलर है अगर आप लेके थोड़े साल 2-3 साल चलाते हैं दोबारा बेचने भी जाते हैं तो बिकने में कोई दिक्कत नहीं आएगी वाइट कलर की ये खासियत होती है दोस्तों और गाड़ी जेन्युइन पेंट है सर जेन्युइन पेंट है इंटीरियर्स बहुत खूबसूरत किए हुए हैं मैं आपको इसी वीडियो में दिखाता हूँ आप देख सकते हैं इंटीरियर्स कस्टम कार सीट कवर्स लगे हुए हैं इसमें और इसकी क्या डिमांड है सर इसका 2 लाख रुपये और 2 लाख रुपये में दोस्तों आपको ऐसी गाड़ी मिल रही है जिसमें एयरबैग्स पहले से लगे हुए हैं कितने 2 एयरबैग्स हैं इसमें सिंगल एयरबैग है बहुत ही लाजवाब डील हो सकती है आप आइए खुद चला के देखिए रेनो की पल्स अच्छा रेनो ही डस्टर भी बनाती है ना तो टेक्नोलॉजी तो इनकी टॉप एंड ही रहेगी गाड़ियों के हिसाब से अब दोस्तों नेक्स्ट गाड़ी एक और स्विफ्ट है हमारे पास स्विफ्ट देख के मेरे खुद के चेहरे पे स्माइल आ जाती है कि गौरव तू ही ले ले इसके बारे में बताइए सर ये 2006 की सेकेंड ओनर गाड़ी है और गाड़ी चली है 1,05,000 पेट्रोल प्लस सीएनजी है और इसका डिमांड हम कर रहे हैं 1,95,000 इसमें सीएनजी लगी हुई है सिक्वेंशियल है नॉर्मल है नॉर्मल सीएनजी और 1,65,000 आपने डिमांड किया अच्छा 195 है इसकी चली कितने आपने बताई सर 1,05,000 1,05,000 दोस्तों अगर आप सर को भी देखें आपने अभी तक इनकी गाड़ियाँ देखी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गाड़ियाँ प्रीमियम ही खरीदते हैं मतलब अगर कोई ठोक पोक है बजाना है उसको ठीक करना है उसमें वो हाथ ही नहीं डालते मुझे मतलब जैसे सर मैं खुद पंजाबी हूँ दिल्ली से हूँ तो हमें ना गाड़ी ना सूंघ के पता चल जाता है वो कैसी है तो सबसे बढ़िया होता है बढ़िया चीज़ लो बढ़िया चीज़ बेचो मार्केट में ना नाम खराब हो ना कोई कल को कुछ आके बोले हमारे यहाँ पे जितनी भी जो भी गाड़ियाँ खड़ी है सब आपको नॉन एक्सीडेंटल नहीं मैंने आपकी सिविक देखी मतलब वो तो ऐसा लग रहा था एज गुड एज नहीं हुआ तो नेक्स्ट गाड़ी हम दिखाते हैं आपको दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें ना गाड़ी लेने से पहले बहुत मायने रखती है कि आप किससे गाड़ी ले रहे हो बंदा कैसे है जितना वो खुद मेंटेन्ड है उतनी उसकी हमेशा गाड़ी मेंटेन रहेगी चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट गाड़ी पे आते हैं ये हमारे पास है i10 कौन सा मॉडल है राजमीत जी ये 2008 की सिंगल ओनर गाड़ी है अच्छा और गाड़ी चली है सिर्फ 19,000 किलोमीटर क्या बात कर रहे हो ये बाज आपने कहाँ से मार लिया और इसका सर्विस रिकॉर्ड भी अवेलेबल है दोस्तों ये 2008 की 19,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है मतलब कि आप लेते हैं तो एज गुड एज न्यू है इसमें कोई शंका की बात नहीं है इंजन विंजन में कोई सर दिक्कत तो नहीं आती क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि गाड़ी को हर साल 10-12,000 किलोमीटर चलना चाहिए अब जैसे पेट्रोल गाड़ी को नहीं चलेगी तो अच्छा पेट्रोल गाड़ी एज गुड एज न्यू रहती है तो इसमें जब मेरे ख्याल से कस्टमर आएंगे यहाँ पे वो चला के देखेंगे तो उनको वो एक सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा इसकी क्या डिमांड है सर हमारी कोट कर रहे हैं हम 2 लाख रुपये
2 लाख रुपए में दोस्तों आपको सिर्फ 20,000 किलोमीटर, 20,000 भी पूरे नहीं है अभी, 19,000 चली हुई i10। आप आइए कार जाइंट पे, चला के देखिए और हमारा नाम लेंगे तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाएगा, इज्जत रख लेंगे भैया। तो दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो के एंड पे आ गए हैं। आज हम मिले राजमीत जी से कार जाइंट पे, इनके डीलरशिप पे, और हमने आपको लगभग 23 गाड़ियाँ दिखाई। तो इनमें से जो भी गाड़ी आप लेना चाहते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर और नाम और लोकेशन सब डाल दूंगा, अपना भी नंबर डाल दूंगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो गाड़ियों से रिलेटेड, उनकी माइलेज से रिलेटेड, उनके प्राइस से रिलेटेड, आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं और डायरेक्ट लोकेशन पे भी आ सकते हैं। तो इसी के साथ अपने दोस्त को अलविदा कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबाइए, नोटिफिकेशन पे आप एक बार क्लिक कीजिए, और मैं आपका दोस्त आपसे फिर मिलूँगा बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए हैप्पी वैलेंटाइन डे, हैव अ ग्रेट वीक अहेड, थैंक यू, नमस्ते।